हेलो एवरीवन वेलकम टू गगन वर्चुअल क्लासरूम आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आया है इस क्वेश्चन पेपर का हमने रीडिंग सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर राइटिंग एंड लिटरेचर पार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर पार्ट में आपको फिफ्थ क्वेश्चन आया था थ्री मार्क्स का चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट तो आपको ये नोट कंप्लीट करना है इसमें थ्री ब्लैंक्स हैं एंड इन ब्लैंक्स के नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये फोर ऑप्शंस देन सेकेंड के लिए एंड अगेन थर्ड के लिए तो हम रीड करते हैं नोट द रीसेंट थेफ्ट ऑफ अ वैल्यूएबल पेंटिंग बाई कैरेट फ्रॉम द लूवर वंस अगेन डैश द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी इन आर्ट गैलरीज कि जो हाल ही में ही चोरी हुई है बहुत कीमती पेंटिंग की कैरेट के द्वारा बनाई गई लूव्र से उस पर आर्ट गैलरीज की सिक्योरिटी पर क्वेश्चन खड़े हो चुके हैं तो ये मतलब सिंपल प्रेजेंटेंस है कि इस चोरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं आर्ट गैलरीज की सिक्योरिटी पर सो दैट मीन्स सिंपल टेंस इनमें से कौन सा है रेजेस सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन अब रेज के साथ हमने एस इसलिए लगाया है बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है द रीसेंट थेफ्टे सिंगुलर सब्जेक्ट है चोरी की जो बात हो रही है ये सिंगुलर है इसीलिए सिंपल प्रेजेंटेंस में वर्ब के पीछे एस लग जाता है नेक्स्ट ऑफिशियल्स एट द म्यूजियम डैश इट इज टू कीप ट्रैक ऑफ थर्टी थाउजेंड वर्ग्स ऑफ आर्ट ऑन डिस्प्ले तो इसमें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें ऑफिशियल्स एट द म्यूज़ियम आर एक्सप्लेनिंग वाई इट इज़ इट इज़ टू कीप ट्रैक इसका कोई सेंस नहीं बन रहा एंड इट इज़ जो है ये रिपीट भी हो रहा है सो दैट मीन्स ये जो है रॉन्ग ऑप्शन है अगर हम थर्ड ऑप्शन पर देखें ऑफिशियल्स एट द म्यूज़ियम विल एक्सप्लेन हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कीप ट्रैक कि वो फ्यूचर में करेंगे एक्सप्लेन लेकिन चोरी तो ऑलरेडी हो चुकी है तो वो तो भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे सो थर्ड ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग नेक्स्ट ऑफिशियल्स एट द म्यूज़ियम एक्सप्लेन द वेरी डिफिकल्टी इट इज़ तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रही ये ग्रामेटिकली गलत है तो ऑप्शन क्या बचा बी सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन देखो ऑफिशियल्स एट द म्यूज़ियम एक्सप्लेन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप ट्रैक ऑफ थर्टी थाउजेंड वर्कस ऑफ आर्ट ऑन डिस्प्ले ऑफिशियल्स जो म्यूज़ियम पे थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कितना डिफिकल्ट था उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, ये ट्रैक रखना Next, only 300 security guards were on duty last Sunday when Carrot's impressionist oil painting, The Several Road Dash. कि सिर्फ 300 गार्ड थे ड्यूटी पर last Sunday जब ये वाली जो पेंटिंग है इसको चोरी किया गया था. That means ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो इसमें जो पास्ट टेंस नहीं है, पहले हम वो क्रॉस आउट कर देंगे. तो देखिए, इस टीलिंग जो है प्रेजेंट टेंस है. That means ये नहीं आएगा. विल स्टील ये फ्यूचर टेंस है दैट मीन्स ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा अब हमारे पास बचे बी एंड सी दोनों ही पास टेंस हैं लेकिन अगर हम बी यूज़ करते हैं कि द कैरिट्स ऑय इम्प्रेशनिस्ट ऑयल पेंटिंग द सेवरे रोड वॉज गोइंग टू स्टील इसका मतलब बनता है कि जो पेंटिंग है ये चोरी करने जा रही थी लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ये एक्शन नहीं कर रहा इस पर एक्शन हो रहा है ये पैसे वॉइस होना चाहिए कि इसको कोई चोरी कर रहा था ये खुद चोरी नहीं कर रही थी किसी की दैट मीन्स बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है सो करेक्ट ऑप्शन इज डी द कैरेट्स इंप्रेशनिस्ट ऑयल पेंटिंग द सेवरेज रोड वॉ स्टोलन तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर ये क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच पर बेस्ड है रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज तो हमने ये कॉन्वर्सेशन रीड करनी है कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में और फिर ये नीचे फिलअप्स जो है ब्लैंक फिल करने हैं तो जब भी हम रिपोर्ट करते हैं कोई कॉन्वर्सेशन हमेशा हम पास टेंस में करते हैं क्योंकि जो बात ऑलरेडी हो चुकी है हम किसी को आगे बता रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उसको पास टेंस में बताएंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं रिपोर्टेड स्पीच में कि इसमें कैन जो है कुड बन जाता है और विल वुड बन जाता है एंड अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जिसका आंसर येस yes या नो no में है तो वो क्वेश्चन पूछने से पहले हम इफ या वेदर यूज करते हैं तो चलिए देखते हैं कस्टमर कैन आई हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्लैंक द कस्टमर आज द शॉपकीपर डैश तो कस्टमर ने शॉपकीपर से क्या पूछा अब अगेन हमने जैसे बात की कैन बन जाएगा कोड एंड क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में है क्योंकि उसने पूछा कि मुझे क्या छोटी बॉटल मिलेगी टमेटो सॉस की तो येस yes या नो no में आंसर है दैट मीन्स किससे शुरू होगा इफ़ या वेदर हम ऑप्शंस में देखेंगे सभी ऑप्शंस इफ से स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं आए जो प्रोनाउन uh, है चेंज हो जाएगा ही बिकॉज ये हम यहाँ पर जो है कस्टमर ने जो बात की अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने ऐसा बोला था तो आई की जगह ही हम यूज़ करेंगे अगेन सारे ही ऑप्शन में इफ़ के बाद ही यूज़ हुआ है नेक्स्ट इफ ही कुड अब कैन की जगह कुड हमने जैसे बोला कि कुड यूज़ होता है अब जो ऑप्शन इसमें है जिसमें कुड नहीं यूज़ हुआ कैन है वो हम क्रॉस आउट कर देंगे ये नहीं है राइट ऑप्शन अब हमारे पास ये तीन options बचे हैं तो अब ये देखिए जो डी ऑप्शन है इफ़ ही कुड हैड कु के साथ कभी हैड नहीं आता कुड एंड वुड के साथ हम हैव यूज करते हैं हैड कभी यूज नहीं करते सो दिस इज ग्रामेटिकली रोंग डी ऑप्शन गलत हो जाएगा अब ए एंड बी में से हम देखते हैं सॉरी ए एंड सी में से देखते हैं कौन सा करेक्ट है तो देखिए द कस्टमर आज द शॉपकीपर इफ़ ही कुड हैव अ स्मॉल बॉटल लेकिन यहाँ पर ये यह कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज इसने यहाँ पर पूछा था स्मॉल बॉटल ऑफ टमेटो सॉस तो हम रिपोर्ट करते टाइम हमने कोई चीज़ मिस आउट नहीं करनी है कुछ अपने से ऐड नहीं करना जैसा वहाँ पर बोला गया है जो डायलॉग है वैसा ही हमने आगे रिपोर्ट करना है सो दैट मीन्स ए इज़ इनकम्प्लीट तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा सी देखिए द कस्टमर आज द शॉपकीपर इफ़ ही कुड हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ टमेटो सॉस सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द शॉप कीपर सेट डैश ऑफ टोमेटो सॉस अब शॉप कीपर का डायलॉग देखते हैं सॉरी आई हैव ओनली बिग बॉटल्स तो शॉप कीपर ने कहा कि उसके पास सिर्फ बिग बॉटल्स हैं तो द शॉपकीपर सेट दैट अब अगेन ही जो है हैड आएगा इसके बाद बिकॉज ये पास टेंस है तो जो हैज है प्रेजेंट टेंस वाला हम क्रॉस आउट कर देंगे ए एंड डी अब बी एंड सी में से क्या आएगा बी में लिखा है दैट ही हैड ओनली बिग बॉटल्स एंड सी है दैट ही हैड केप्ड ओनली बिग बॉटल्स तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि एज इट इज़ हमने क्वेश्चन सॉरी डायलॉग को रिपोर्ट करना है ना एक्स्ट्रा ऐड करना है ना कुछ मिस करना है तो so, यहाँ पर ये यह अपने आप से ऐड हुआ है कैप्ट वर्ड जबकि यहाँ पर शॉपकीपर ने ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया सो सी इज द रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर इज बी दैट ही हैड ओनली बिग बॉटल्स कि उसके पास सिर्फ बिग बॉटल्स थी नेक्स्ट द कस्टमर वॉन्टेड टू नो डैश अब कस्टमर क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर वैन विल इट बी अवेलेबल तो उसने पूछा ये कब अवेलेबल हो जाएगी तो अगेन ऑप्शन देखते हैं तो इन फोर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जैसे हमने पहले बात की थी कि जो विल है वो वुड बन जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड यूज़ हुआ है दैट इज़ ए तो ए हमारा करेक्ट आंसर है

सो दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए तो जो प्रेजेंट में नहीं है पहले हम वो क्रॉस आउट कर देंगे वॉज लिविंग ये क्रॉस कर देंगे बिकॉज ये पास्ट टेंस है हैड लेफ्ट ये भी क्रॉस करेंगे बिकॉज अभी वो इस इवनिंग की बात हो रही है वो पहले जा नहीं चुकी लेकिन वो अब जाएगी इस इवनिंग सो इज लिविंग इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है हैव बीन लिविंग भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि शी के साथ हम हैव नहीं यूज़ करेंगे हैज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करते हैं सो दैट मीन्स ये जो सी बीन लीविंग ये बिल्कुल इनकरेक्ट है करेक्ट आंसर इज इज़ लीविंग शी इज़ लीविंग फॉर डेली दिस इवनिंग सेकेंड सेंटेंस यू डैश नॉट वरी एज़ योर मनी इज सेफ अब ये इन मॉडल्स में से कौन सा मॉडल आएगा यू नीड नॉट वरी एज योर मनी इज सेफ कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसे सेफ है थर्ड क्वेश्चन यू डैश स्लीप अर्ली द नाइट बिफोर योर एग्जाम तो यू ऑट टू स्लीप अर्ली द नाइट बिफोर योर एग्जाम कि तुम्हें एग्जाम के एक रात पहले जल्दी सोना चाहिए नेक्स्ट डैश ऑफ आस मैनेज टू डू इट सेपरेटली बट फॉर्चुनेटली टुगेदर विड इट अब इसका मतलब देखो सेंटेंस का कि हमने अलग अलग ट्राई किया करने की लेकिन फॉर्चुनेटली लकीली हमारी किस्मत अच्छी थी कि टुगेदर जब एक साथ हमने मिल किया तब हम कर पाए ये जो भी काम की बात हो रही है यहाँ पर तो यहाँ पर इसका मतलब जो पहले इन्होंने ट्राई किया होगा अलग अलग तो वो नहीं कर पाए थे तो अगर हम देखें बोथ ऑफ फास्ट मैनेज डू इट सेपरेटली कि हम कर पाए दोनों ही अलग अलग ये काम तो ये रॉन्ग है सम ऑफ अस मैनेज इसमें भी हो गया कि ये अलग अलग भी कर पाए थे तो ये भी रॉन्ग है ऑल ऑफ अस का मतलब ये है लेकिन अगर हम इस सेंटेंस का मीनिंग बनाना है सेंस बननी चाहिए तो नीदर वुड बी दी करेक्ट आंसर कि नीदर ऑफ अस मैनेज डू इट सेपरेटली कि हम में से कोई भी नहीं कर पाया इसको अलग अलग से लेकिन फॉर्चुनेटली जब हमने सब ने इकट्ठे ट्राई किया तो हम कर पाए सो नीदर ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट आर्टिकल पर यह है क्वेश्चन डैश आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन डैश साइड्स आइलैंड जो है ये वॉवल uh, साउंड से शुरू हो रहा है तो स्टार्टिंग जो वॉवल साउंड होते उससे पहले क्या आता है एन एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन जो आइलैंड है वो सारी साइड से सराउंड होता है पानी से सो दैट मीन्स ऑल साइड्स तो बोथ साइड्स तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बोथ मतलब दोनों साइड लेकिन आइलैंड तो सारी साइड से ही सराउंडेड होता है पानी से सो so, जो सी ऑप्शन इस थी करेक्ट आंसर कि एन आइलैंड इस पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स ना कम टू सिक्स सेंटेंस ब्रेड एंड बटर डैश सर्व फॉर ब्रेकफास्ट कि ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर सर्व किया गया था अब यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है उसको एक मील मान के चल रहे हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए तो पहले हम क्रॉस कर देंगे जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल इनमें से है वर तो वर को हम क्रॉस कर देंगे ये नहीं करेक्ट अब बचा हैड वॉज एंड बींग तो ब्रेड एंड बटर हैड सर्व फॉर ब्रेकफास्ट कोई मीनिंग नहीं बन रहा वैसे ही बींग का भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा इस सेंटेंस में द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी वॉज ब्रेड एंड बटर वॉज सर्व फॉर ब्रेकफस्ट अब पार्ट बी पर आ जाइए राइटिंग सेक्शन ये आपको टेन मार्क्स का था फाइव मार्क्स का क्वेश्चन नंबर एट एंड फाइव मार्क्स का क्वेश्चन नंबर नाइन तो यहाँ पर देखिए एट्थ क्वेश्चन था यू आर रमन यू सेलिब्रेटेड योर फिफ्टींथ बर्थडे रिसेंटली मेक अ डायरी एंट्री रिकॉर्डिंग योर फीलिंग्स इन हंड्रेड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वर्ड्स तो आप बताया है कि आप रमन हो आप जो है आपने फिफ्टींथ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है रिसेंटली आपने डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स बताते हुए और ये आपने हंड्रेड से हंड्रेड एंड ट्वेंटी वर्ड्स के बीच में लिखनी थी तो डायरी एंट्री हम कर चुके हैं अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं उसके बारे में आप वो देख सकते हो एंड यहाँ पर ये यह आपने ध्यान ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है यू आर रमन तो लास्ट में आपने अपना नाम ना लिख कर रमन लिखना है यह आपके पास ऑप्शन था यू स्पेंड द लॉकडाउन पीरियड एट अ विलेज विद योर ग्रैंड मदर यू आर हाईली इम्प्रेस्ड बाय हर लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ग्रैंड मदर ये आपको पैराग्राफ आया है इसमें लिखा है कि आपने जो लॉकडाउन पीरियड था आपने अपने गाँव में बिताया अपने ग्रैंड मदर के साथ और आप उनकी जो है लविंग और केयरिंग पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि वो कितना प्यार और केयर करते हैं उनको डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिखो अपने ग्रैंड मदर के बारे में पैराग्राफ लिखना था क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें आपको शॉर्ट स्टोरी आई है ये भी फाइव मार्क्स की थी यूज़ द फॉलोइंग हिन्स डवेल्प अ शॉर्ट स्टोरी इन हंड्रेड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वर्ड्स एंड गिव इट अ सूटेबल टाइटल बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये टाइटल देना ही भूल जाते हैं तो आपने मिस नहीं करना इससे मार्क्स कट जाते हैं हमेशा स्टोरी का टाइटल उसकी हेडिंग जरूर देनी होती है तो आपके पास ये हिंट्स थी या तो आपने ये जो आउटलाइन दी गई है इसको कंप्लीट करना था या फिर आपको स्टोरी की स्टार्टिंग बताई गई है फर्स्ट सेंटेंस बताया गया है और आपने आगे कंटिन्यू करना था ये फाइव मार्क्स की थी स्टोरी नेक्स्ट लिटरेचर पार्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर टेन आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स ईच तो आपको तीन क्वेश्चन थे इनमें से कोई भी दो करने थे आपने एंड ये टू मार्क्स ईच थे फोर मार्क्स का था ये ए पार्ट ए सेक्शन जो है क्वेश्चन है वॉट काइंड ऑफ टॉयज अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ आइंस्टाइन वेन ही वॉज अ चाइल्ड एंड वाई तो देखिए जब ये क्वेश्चन टू पार्ट्स का होता है तो हमने दोनों ही पार्ट का जो है आंसर देना होता है तभी अब हमें फुल मार्क्स मिलते हैं तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट काइंड ऑफ टॉयज अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ आइंस्टाइन तो कौन से टाइप के टॉयज थे मैकेनिकल एंड क्यों उसे ये टॉयज अच्छे लगते थे मैकेनिकल बिकॉज उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट था So the आंसर is, as अ चाइल्ड Einstein was अट्रैक्टेड by mechanical टॉयज बिकॉज ऑफ his साइंटिफिक temperament. अब आप अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो बस उसका जो जिस्ट, उसकी जो मेन बात ये निकल के आनी चाहिए कि वो मैकेनिकल टॉय से अट्रैक्टेड था एंड क्योंकि उसका जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज जीरोम्स रियल इंटेंशन वेन ही ऑफर टू पैक तो पैकिंग चैप्टर में जब जीरोम ने ये ऑफर किया कि मैं पैकिंग करूंगा तो उसकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या थी तो जीरोम की रियल इंटेंशन काम को सिर्फ सुपरवाइज करना था जीरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू सुपरवाइज द पैकिंग वाइल हैरिस एंड जॉर्ज वर्कड अंडर हिज गाइडेंस तो उसको था हैरिस और जॉर्ज उसकी गाइडेंस के अंडर काम करेंगे और वो काम को सिर्फ सुपरवाइज करेगा वॉट आर द थिंग्स दैट द विंड क्रैशिज डाउन तो कौन सी चीज थी जो विंड जिसको क्रश कर रही है ये विंड में से है तो विंड जो है सारी वीकलिंग सारी ही जो वीक चीजें हैं उनको क्रश करती है द विंड क्रशेस डाउन द वीकलिंग्स फ्रेल हाउसेस क्रम्बलिंग डोर्स राफ्टर्स एंड वीक हार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट इसमें अगेन आपको थ्री क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपने कोई भी टू करने थे एंड ये अगेन टू मार्क्स ईच तो टोटल फोर मार्क्स का ये क्वेश्चन था इन द किंगडम ऑफ फूल वाई डिड द पीपल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द किंग तो इस चैप्टर में लोग क्यों फॉलो करते थे किंग के ऑर्डर उसका ऑर्डर क्यों मानते थे आउट ऑफ फियर क्योंकि उन्हें डर था एनी वन हु डिड नाट ओबे दर वु टू डेथ कि जो भी ओबे नहीं करता था उसको मार दिया जाता था सो आउट ऑफ फ़ियर ऑफ डेथ पीपल ओबेड द किंग्स ऑर्डर तो डर के मारे सभी किंग के ऑर्डर को ओबे करते थे वाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू स्वॉलो प्रिंस को छोड़कर कर इजिप्ट क्यों नहीं गई तो इसके अलग अलग रीजनस हैं प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड आफ्टर गिविंग अवे हिज टू सफायर्स ऑफ हिज आईज तो एक तो क्योंकि प्रिंस जो है ब्लाइंड हो चुका था उसने अपने दोनों सफायर्स आइस जो सफ़ायर्स की बनी थी वो दे चुका था देन तो स्वालो वो स्टस्ट बाय हिज काइंडनेस एंड वांटेड टू सर्व हिम तो स्वलो को उसकी जो काइंडनेस इतनी अच्छी लगी उसको वो अब सर्व करना चाहती थी क्योंकि अब वो प्रिंस बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका था तो सॉलो उसका साथ देना चाहती थी हेल्प करना चाहती थी स्वॉलो हैड स्टार्टेड लाइकिंग द प्रिंस ऑल्सो क्योंकि अब स्वालो को प्रिंस अच्छा लगने लग गया था तो आप इनमें से कोई भी रीज़न दे सकते हो वाई डिट द बैगर अपीयर एट सरगई हाउस अ मंथ लेटर एक महीने बाद बैगर फिर से सरगई के हाउस क्यों आया काम की तलाश में क्योंकि सरगई ने कहा था कि तुम जब भी तुम्हें नेक्स्ट मंथ जो है फिर से आ जाओ वुड चॉप करने के लिए और तुम्हें बदले में मनी मिलेंगे The narrator had told him he could come back and cut wood for him in return for half a रूबुल तो मनी के लिए जो है नरेटर के पास वो फिर से एक मंथ बाद सरगेई के हाउस में बैगर आया एंड यहाँ पर ये डबल नहीं है रूबल है आर ओ यू बी एल ई रूबल क्वेश्चन नंबर एलेवन अगेन टू पार्ट्स में है एंड बी दोनों ही पार्ट्स में थ्री क्वेश्चन हैं आप में उनमें से कोई भी दो करने हैं फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स में आपको आंसर करना है और ईच क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट काइंडिड टॉमी शो टू मागी तो टॉमी ने किस टाइप की बुक मागी को दिखाई टॉमी शोड मागी एन ओल्ड रियल बुक दैट बिलोंग टू हिज ग्रैंड फादर इट हैड क्रिंकल येलो पेजेज द वर्ड्स ऑन द पेजेस व प्रिंटेड एंड दे डिड नॉट मूव नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव तो द बॉन्ड ऑफ लव स्टोरी में से हमें क्या सीखने को मिलता है तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं लव रेसिप्रोकेट्स लव कि प्यार जब हम देते हैं तो बदले में इन रिटर्न हमें वही इमोशंस वापस मिलते हैं बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स इंसानों और एनिमल्स के बीच में जो लव है वो हमें आ, सीखने को मिला इस स्टोरी से नीड टू शो लव एंड केयर टू एनिमल्स कि हमें जानवरों को भी प्यार और केयर शो करनी चाहिए इसके अलावा भी अगर कोई और मैसेज आपको कुछ सीखने को मिला स्टोरी से आप वो लिख सकते हो थर्ड क्वेश्चन वॉट डिड सेंट पीटर आस्ट द ओल्ड लेडी फॉर व्हाट वॉज द लेडीज रिस्पॉन्स अगेन ये क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं तो हमने ध्यान रखना है कि हम दोनों ही पार्ट्स को आंसर करें तो सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा और लेडी का रिस्पॉन्स क्या था सेंट पीटर आस्ट द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ बेक्ड केक्स द लेडी ट्राई टू बेक अ स्मॉल केक फॉर द सेंट बट द केक सीम टू बिग टू गिव अवे सो शी डिड नॉट गिव हेम एनी थिंग तो सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से उसका एक केक मांगा तो so लेडी ने ट्राई किया कि छोटा सा केक बेक करे लेकिन जब वो देती थी केक तो उसको देते टाइम वो बड़ा लगता था केक इसीलिए फाइनली उसने कुछ भी नहीं दिया सेंट पीटर को पार्ट बी अगेन इसमें से थ्री क्वेश्चन में से कोई भी टू करने थे how did the author of a house is not a home regain a sense of security in life? the author ko wapas jo has secured feeling cub Kaise aane lagi? so the answer is the author's classmates and teachers at new school became aware of his condition. they collected clothes, books and other items for him. thus he made new friends. he focused on feelings of positivity. thus he regained a sense of security in life. कि जो ऑथर के क्लासमेट्स थे और उसके टीचर्स न्यू स्कूल में उनको जो है उसकी कंडीशन के बारे में पता चल गया था उन्होंने मिल उसके लिए कपड़े बुक्स वगैरह और बाकी आइटम्स कलेक्ट किया इससे वो उसने न्यू फ्रेंड्स भी बना लिए और अब वो लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जो है फोकस करने लगा एंड फाइनली उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी वापस उसको जो है फील होने लगी सेकंड क्वेश्चन Why was grandfather pleased even इवन Toto टोटो हैड from the द What does this tell us अबाउट his कैरेक्टर तो जब टोटो एस्केप कर गया था क्लोज़ेट से वहाँ से भाग निकला था तो ग्रैंड फादर फिर भी प्लेस्ड क्यों थे एंड इससे हमें उनके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है ग्रैंड फादर वॉज प्लेस्ड एट टोटोज इंटेलिजेंस एंड हाउ ही हैड मैनेज टू फ्री हिमसेल्फ फ्राम द पेग ही हैड बीन टायर्ड टू तो ग्रैंड प्लीज थे टोटो की इंटेलिजेंस को देख के कि मंकी कितना इंटेलिजेंट है कि उसने अपने आप को फ्री करने में कामयाब हुआ और वो भाग निकला और इससे हमें क्या पता चलता है ग्रैंडफादर के बारे में दिस शोज दैट ही वॉज़ अ ट्रू एनिमल लवर तो इससे पता चलता है कि वो वाकई में एनिमल्स को प्यार करने वाले थे ऑल्सो आप ये भी देख सकते हो कि वो अप्रिशिएट करते थे इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस को तो कोई भी चीज जो आपको इनके कैरेक्टर के बारे में बताती है आप वो लिख सकते हो थर्ड क्वेश्चन वाई वॉज द बर्ड अनएबल टू स्लीप पीसफुली द फर्स्ट नाइट तो ये क्वेश्चन द हैप्पी प्रिंस में से है कि पहली रात बर्ड पीसफुली क्यों नहीं सो पाई द बर्ड वॉज ऑन हिज वे टू इजिप्ट ऑन हिज वे ही डिसाइडेड टू स्लीप अंडर द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस बट ही वॉज़ अनएबल टू स्ली पीसफुली द फर्स्ट नाइट बिकॉज द टीयर ड्रॉप्स दैट फेल फ्राम द स्टेचूज आइज डिस्टर्बड हिम तो बर्ड रास्ते में थी इजिप्ट को जा रही थी तो ऑनज वे उसने डिसाइड किया कि मैं हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे सो जाती हूँ लेकिन वो पीसफुली नहीं सो पाई फर्स्ट नाइट क्योंकि जो स्टैचू की आईज में से टीयर ड्रॉप्स गिर रहे थे उसने उसको डिस्टर्ब किया तो ये देखिए हमने ध्यान रखा कि ये जो क्वेश्चन के आंसर्स थे ये हम 40 से 50 वर्ड के बीच में लिखे वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है एंड ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसीलिए हम इसको अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का है एंड आपको हंड्रेड से वन ट्वेंटी वर्ड्स के अंदर आंसर करना था क्वेश्चन है द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस

कि जो संतोष यादव है वो दुनिया की इकलौती ऐसी वुमन है जिसने माउंट एवरेस्ट दो बार क्लाइम किया है और ये लड़की जिसने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया वो ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पर लड़कों के जन्म पर तो खुशियाँ मनाई जाती हैं लेकिन लड़कियों के जन्म पर उसको इतने अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता तो इस सेंटेंस के बेसिस पर हमने आंसर देना है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी संतोष यादव में कि उसने ये रिकॉर्ड कायम किया कि वो दो बार वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ पाई और हमें संतोष यादव से क्या सीखने को मिलता है तो यहाँ पर आप ये सारी क्वालिटीज़ की बात कर सकते हो संतोष यादव की कि उसमें फिजिकल इंड्योरेंस थी आयरन विल थी मेंटल टफनेस रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड तो इसके अलावा जो भी क्वालिटीज़ आपको पता है वो आप सब इसमें लिख सकते हो यानी ध्यान रखना ये फाइव मार्क्स क्वेश्चन है तो आपने डिटेल में आंसर लिखना है एंड हमें कौन सी क्वालिटी सीखने को मिलती हैं अगेन जो भी आपको क्वालिटीज़ लगती हैं कि आपको इसमें से आपको इंस्पायर हुए हो ये सीखने को मिला है आप वो लिख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल कि कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है लाइफ में वी शुड ड्रीम बिग कि हमें बड़े बड़े सपने देखने चाहिए एवरी थिंग इज़ अचीवेबल कि हर एक चीज़ हम अचीव कर सकते हैं तो हमें बड़े सपने देखने चाहिए वी शुड फोकस ऑन आर गोल्स और जो भी हमने ठान लिया है जो हमारा गोल है उस पर फोकस करना चाहिए वी शुड वर्क हार्ड एंड डेडिकेटेडली और जो भी हम काम करें डेडिकेशन के साथ पैशन के साथ और हार्ड वर्क करें तो कोई भी क्वालिटीज आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ सही गलत नहीं होता ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे फील करते हो तो जो भी आंसर लिखोगे उसके जो है मार्क्स uh, आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस थी या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे या ये वाला डू यू थिंक लिबरल इन्वायरमेंट इन द स्कूल हेल्प्स इन लर्निंग इन अ बेटर वे वाई डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन लीव स्कूल एट द एज ऑफ फिफ्टीन क्या आपको लगता है स्कूल में अगर लिबरल इन्वायरमेंट हो तो ज़्यादा अच्छे से हम लर्न कर सकते हैं एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों स्कूल फिफ्टीन ईयर्स के एज में छोड़ दिया था तो इसका जो आंसर है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल क्यों छोड़ दिया था फ़िफ्टीन ईयर्स के एज में आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट तो उनको स्कूल का जो स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड इन्वायमेंट अच्छा नहीं लगता था ही हैड डिसग्रीमेंट्स विद हिज टीचर्स तो उसके अक्सर जो है टीचर्स uh, के साथ डिसअग्रीमेंट्स होते थे कि वो उनकी बात से सहमत नहीं होता था ही वॉन्टेड टू स्टडी इन अ मोर लिबरल इन्वायरमेंट और वो थोड़ा और लिबरल इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहते थे इसके अलावा भी आप इसको इलेबरेट करके लिख सकते हो सेकेंड पार्ट देखो क्वेश्चन का है डू यू थिंक अ लिबरल इन्वायरमेंट इन द स्कूल हेल्प्स इन लर्निंग इन अ बेटर वे क्या आपको लगता है लिबरल इन्वायरमेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है इसका क्वेश्चन यस नो में आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि सीधे से इन्होंने पूछा है हाँ या ना तो आपने यस yes या नो no लिख उसका रीजन भी देना है अगर यस yes लिखते हो तो उसका रीज़न बताओगे नो no लिखते हो तो उसका भी रीज़न दोगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखते हो कि येस लिबरल इन्वायरमेंट अच्छा होता है लर्निंग के लिए तो उसके साथ रीज़न दे सकते हो गिव्स अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम टू बी क्रिएटिव वन कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एक्वायर्ड नॉलेज एज पर वन इंट्रस्ट तो जो भी आप लिखोगे येस और नो उसके साथ रीज़न अकॉर्डिंगली लिखोगे तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो और वो गलत नहीं होगा क्योंकि किसी बच्ची को लग किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि ये लिबरल इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है किसी को लग सकता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बेटर लर्निंग होती है तो आंसर कोई गलत नहीं है बट साथ में आपने रीज़न ज़रूर देना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी क्वेश्चन ट्वेल्थ की तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का है इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है कोई भी एक करना है एंड यहाँ पर जो ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको जो दोनों चॉइसेस थी ये बी हाई बुक से थी एंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपको सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स में से है ये क्वेश्चन तो ये देखिए लीडर्स आर नॉट बॉर्न रादर सर्कमस्टांसिस प्रोड्यूस दैम सपोर्ट द स्टेटमेंट कीपिंग इन माइंड द मेन कैरेक्टर प्रशांत ऑफ वेदरिंग द स्टॉम इन इरासमा तो इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी गई है कि लीडर्स पैदा नहीं होते बल्कि उनको उनके हालात बना देते हैं तो ये स्टेटमेंट को प्रूव करो प्रशांत को ध्यान में रखकर इस चैप्टर में जो वेदरिंग द स्टॉम इन रास्मा वाली स्टोरी में जो प्रशांत है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो इसमें आप फाइव मार्क्स के हिसाब से पूरे डिटेल में लिख सकते हो कि कैसे जो है साइक्लो ने पूरा उड़ीसा में सारी डिस्ट्रक्शन कर दी थी प्रशांत लॉस्ट हिज हाउस हिज फैमिली ही ओवरकेम हिज ग्रीफ तो जब प्रशांत ने सब कुछ खो दिया था फिर भी वो अपने जो है ग्रीफ से अपने दुख से उभर कर वापस बाहर आया ही शोड लीडरशिप क्वालिटीज़ ही मोटिवेटेड पीपल फॉर सेल्फ हेल्प रेस्ड पीपल्स मुराल ऑर्गनाइज पीपल ही मैनेज टू गेट राशन फॉर द पीपल एट द कैम्प एनकरेज विडोज़ टू लुक आफ्टर दफन्स तो ये सब आपको पॉइंट्स बताए गए हैं इसके अलावा भी आप एड ऑन कर सकते हो और इसको डिटेल में लिख सकते हो कि कैसे प्रशांत जो है क्लीडर प्रूव हुआ सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये क्वेश्चन था वॉट इज बैरम पीस वॉट मेक्स सू से इट मास्टर पीस तो बैहरम मास्टर पीस क्या था और सू उसे मास्टर पीस क्यों बोलती है द सिंगल आई वी लीव दैट बैरमन पेंटेड ऑन द ब्रिक वॉल इज हिज मास्टरपीस तो जो आई वी लीव बैरमैन ने ब्रिक वॉल पर पेंट किया था उसका वो मास्टर पीस था सू कॉल्स इट अ मास्टर पीस बिकॉज द पेंटिंग रिकिंडल द विलिंगनेस टू लिव इन जॉन्सीज़ हार्ट एंड शी वॉज़ एबल टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस तो सू उसको मास्टर पीस इसलिए बोलती है क्योंकि वो पेंटिंग ने जॉन्सी के दिल में फिर से जीने की इच्छा जो है जगा दी थी और वो रिकवर हो पाई अपनी इलनेस से वो ठीक हो पाई द पेंटिंग लुक सो रियल दैट जॉन्सी फेल्ट दैट द लास्ट लीफ हैड नॉट फॉलन डिस्पाइट द स्टॉम तो वो पेंटिंग इतनी रियल लग रही थी कि जॉन्सी को लगा कि जो लास्ट लीफ है वो इतनी स्टॉम के बावजूद भी नहीं गिरा सो शी मैनेज टू गेट ट्रेड ऑफ अ फेयर ऑफ डाइंग ऑन द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ तो इस तरह से जॉन्सी अपने डर से जो है बाहर आ पाई कि लास्ट लीफ के गिरने के बाद वो मर जाएगी तो इस डर से वो फ्री हो गई तो ये इसको आप डिटेल में लिख सकते हो और ये जो आंसर है फाइव मार्क्स का है तो अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना था तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका एग्जाम कैसे हुआ है एंड आगे के लिए भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं थैंक यू